हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन विद द वीडियो जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंस अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट के बीच में और कुछ प्रोनंसिएशन। लेट्स गो। फर्स्ट अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर है फ्लोर्स के ऊपर। यहाँ सिंपल फर्स्ट फ्लोर को ग्राउंड फ्लोर कहा जाता है, अमेरिकन में फर्स्ट और ब्रिटिश में ग्राउंड, सो ऑन। इसी हिसाब से ये रिस्पेक्टिवली चलते जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। ब्रिटिश में जग को एज यूजुअल जग कहा जाता है, लेकिन अमेरिकन एक्सेंट में उसे पिक्चर कहा जाता है, फॉर योर काइंड नॉलेज। आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज इन अमेरिकन एक्सेंट लिफ्ट, दैट इज एलिवेटर, एंड इन ब्रिटिश इट इज लिफ्ट, एज वी आर यूजुअल टू स्पीक ब्रिटिश, राइट। ब्रिटिश में अगेन बिस्किट, जो हम भी बोलते हैं, लेकिन वहीं इसे अमेरिकन एक्सेंट में कुकी कहते हैं। आपने बेंटन कार्टून में देखा होगा कि बेंटन वॉज यूज टू ईट कुकीज। नाउ अब बात करते हैं ये क्लोथ पैक की। अब इसे क्लोथ पिन भी कहते हैं अमेरिकन एक्सेंट में, क्लोथ पिन, और क्लोथ पैक ब्रिटिश में। खैर ये तो मैंने भी नहीं सुना था, क्योंकि मैं इसे यूजली पिन कहता हूँ, दैट्स ऑल। अब बात करते हैं कुछ प्रोनंसिएशंस की। काफ़ी लोग इसे बुफेट बोलेंगे या फिर बुफे बोलेंगे, बट द करेक्ट प्रोनंसिएशन इज बुफे, गॉट इट? ओके, नाउ इट इज मोजीतो और मोजीतो, नो, एक्चुअली द राइट वन इज मोइतो, MOHITO, मोइतो। ओके, अब बात करते हैं वेडनेसडे की या फिर वेंसडे की। एक्चुअल में करेक्ट जो है वो है वेंसडे, ना कि वेडनेसडे या फिर वेंसडे, इट्स वेंसडे, जी। ओके, अब बात करते हैं डाटा की या डेटा की। जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है हम किस में जिसमें स्टोर करते हैं उसे डाटा कहते हैं यूजुअली, बट ये गलत है। असल में ये डाटा ना होके इट्स डेटा, द कलेक्टिव डेटा। ओके, अब बात करते हैं अनियंस की। इट इज़ नॉट ऑनियन और समथिंग एल्स, एक्चुअली इट इज सिंपली जो लिखा है ANION, अनियन, स्पीक इट अगेन, अनियन, दैट्स ऑल माय डियर। एंड एट द एंड देयर इज अ चैलेंज फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच।